किसानों ने इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। और अध्यक्ष जी आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाजा आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और जेल ना ऐसे बेचारों को पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, 40 साल बाद कांग्रेस गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। और कांग्रेस ने क्या किया माननीय अध्यक्ष जी? कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदल दी। 2013 में एक ही झटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बना दिया। ये कैसे हुआ इसकी सच्चाई देश के युवाओं को पता होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है हमारे देश में पहले रेलवे में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता था। जो फर्स्ट क्लास होता था एक लाइन लिखी रहती थी दरवाजे के बाजूगल में, सेकंड क्लास में दो लिखी रहती थी, थर्ड क्लास में तीन। इनको लगा ये थर्ड क्लास वाला जरा मैसेज ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक लाइन निकाल दी। ये इनके तरीके ऐसे ही हैं, और उनको लगता है कि वो गरीबी हट गई, और उन्होंने सारे उसके बेसिक नॉर्म्स बदल करके कह दिया 17 करोड़ गरीब नहीं गिने जाएंगे। इस प्रकार से आंकड़े बदलने का काम वो करते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ तात्विक मुद्दों को उठाने की कोशिश की, मैंने तो समझने की बहुत कोशिश की, शायद कोई समझ पाया हो, ऐसा तो मुझे अभी कोई मिला नहीं है, लेकिन जो को समझ पाया होगा तो मैं समझने के लिए तैयार हूं। ऐसे ऐसे कुछ बातें सुनता हूं तो माननीय अध्यक्ष जी, सदन में राष्ट्र को लेकर बातें हुई, ये बातें हैरान करने वाली है। मैं मेरी बात रखने से पहले एक बात दोहराना चाहता हूं, और मैं कोट कर रहा हूं, यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठे, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए हैं, इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं, इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे स्पष्ट रूप से ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। एक कोटेशन है। अध्यक्ष महोदय, हम भारतीयों की इस विशेषता को बताते हुए इस कोटेशन में दो शब्द गौर करने वाले हैं, राष्ट्रीय विरासत। और ये कोट पंडित नेहरू जी का है। ये बात कही थी नेहरू जी ने, और अपनी किताब भारत की खोज में है। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक हैं। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में
राष्ट्र शब्द नहीं आता। संविधान की प्रस्तावना में लिखा राष्ट्र पढ़ने में ना आए ये हो नहीं सकता है। कांग्रेस ये अपमान क्यों कर रही है मैं इस पर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। और इससे हजारों साल से देशवासी जुड़े हुए हैं और जूझते रहे हैं। हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य